नमस्कार दोस्तों, ये अभी चल रहा है 718-720, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है 17,800 को क्रॉस करेगा। मार्केट इज स्टिल सेल ऑन राइज, बट 630 के ऊपर टिकना था तो थोड़ी बहुत भैया जो मिल रहा है वो तो बुक करें 100-150 पॉइंट। अभी बहुत सारे लोगों के मेरे ग्रुप में भी मैं बात सुन रहा था कि ये मदर ऑफ बुल मार्केट है, ठीक है, और रिटेलर शॉर्ट में बैठे हैं इसलिए मार्केट ऊपर गया है। भाई मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है, सुबह 9 बजे बता देते कि ऐसा होने वाला है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बोल सकता था कि 650 आपका निक्की नीचे है, 650 आपका हैंगसेंग नीचे है, डाउ नेगेटिव है, निफ्टी 16,700 के ऊपर चला जाएगा, किसी को नहीं पता था, ठीक है। और एटलीस्ट इन लाइव मार्केट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। मैं कम से कम वीडियो बना के आपको बता तो रहा हूँ, नहीं तो शाम को भी दो बातें इस यूट्यूबर की उठाई, दो बातें उस यूट्यूबर की उठाई, वो भी मैं भी कर सकता हूँ, जो हमेशा ही राइट होगा कि हमने इसके ऊपर बाई कर दिया था, इसके ऊपर सेल कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों किसी को नहीं पता रिटेलर शॉर्ट में है। रिटेलर अगर आपको पता करना है ना रिटेलर शॉर्ट में, आप अपने आसपास के लोगों से मिलिए, ठीक है, उनकी डिलीवरी की पोजीशन पूछिए, भाई क्या क्या बाई करके बैठा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट देख में किसके कितने लॉट हैं। कोई नहीं बता सकता कि रिटेलर शॉर्ट में बैठा है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये अंदाजे लगाने छोड़िए, लेवल्स को फॉलो करिए, ठीक है। हाँ, कहाँ से अगेन शॉर्ट करना है वो देखेंगे। इन केस 17,800 के ऊपर चला जाता है तो मैं भी इसको फिर 200-300 पॉइंट के लिए बाई करूँगा। बट पोजिशनल मेरा टारगेट अगले 2 महीने भाई 16,000 है तो है, मार्केट 16,000 आना है ये मेरे को लग रहा है। तो पोजिशनली दोबारा कहाँ से शॉर्ट करूँगा मैं अपडेट करूँगा, जिसे मेरे साथ करना है करे, बट जिसको बाई करना है वो मेरे मुँह से ना निकलवाए कि बाई करो। अरे तुम बाई करो ना भाई, तुम्हें किसने रोका है जब तुम्हें इतना सारा ज्ञान है कि मार्केट इसलिए ऊपर गया है मेरे को हंसी आती है, तुम्हें इतनी सारी नॉलेज है, रिटेलर शॉर्ट में बैठा है, मासे शॉर्ट में बैठा है, तो काहे बाई नहीं करते हो यार, मेरे मुँह से क्यों निकलवाना चाहते हो कि बाई करो। मैं तो वही बोलूँगा जो मुझे चार्ट बोलेगा, मेरे लिए जो मैं अब तक एनालिसिस करता आया हूँ पिछले 3 साल से, मैं वही बोलूँगा। मेरा टारगेट 16,000 है इस साल के अंदर अंदर है और 2 महीने में अंदर आ जाना चाहिए जो मुझे दिख रहा है। तुमको तेज़ी दिखती है भाई, तेज़ी करो, बिंदास करो, ठीक है। मेरे को मत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना, मैं होऊंगा, मैं बहुत जिद्दी हूँ भाई, ठीक है, इतनी जल्दी अपना व्यू चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। पोजिशनली मैं दोबारा शॉर्ट बनाने की पोजिशन ही देखूँगा और अपडेट कर दूंगा, जिसको मेरे साथ ट्रेड करना है कर लेना। और जिन लोगों को जानकारी है भाई, अगर क्या कहते हैं मासिस के अगेंस्ट चलता है मार्केट, बिंदास बाई करके बैठ जाएं, ठीक है। मासिस कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता कि रिटेलर शॉर्ट में है कि बाई में। अब आ जाइए दूसरी बात, अगर ये 17,800 के ऊपर टिकता है तो पक्का 200-300 पॉइंट की तेज़ी होनी चाहिए, फिर 18,000 क्रॉस होगा, 18,000 एवन 180 एक लेवल मैंने निकाला था वहाँ तक जा सकता है, ठीक है, वहाँ बाई पक्का करना है। 17,800 के ऊपर ये निकलता है तो फिर 200-300 पॉइंट की तेज़ी है। बट इन केस ये 17,800 को क्रॉस नहीं करता है, सुन लीजिए, इन केस ये 17,800 को क्रॉस नहीं करता है, 780 के आसपास रहता है, वहाँ पे लगाइए 800 का SL, इसको शॉर्ट करना है। इसी वीक का टारगेट 17,450 है, इस ई वीक का, इस फ्राइडे तक का, थर्सडे तक का नहीं, फ्राइडे तक का, इस फ्राइडे तक का ही 17,450 है। अगर ये 17,800 को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहता है, इन केस कर देता है, तो 780 को लगाइए SL और बाय कीजिए, बस सिंपल। ये मेरे दिमाग में है और बार बार मैं बोलना नहीं चाहता, आई एम पोजिशनली बेयरिश और मैं उसको पोजीशन बनाने के लिए ही देखूंगा और मैं इसमें लॉस नहीं कर रहा हूँ। जो लोग लॉस कर रहे हैं वो खुद ज़िम्मेदार हैं। मैंने 790 के नीचे सेल लिया था, 640 पे काट दिया, 140-145 पॉइंट मेरे बने हैं, मैं उन्हें लेके खुश हूँ, ठीक है। दोबारा कहाँ शॉर्ट करूँगा मेरे साथ किसी को करना कर लेना, मैं अपडेट कर दूँगा। एटलीस्ट आई एम यार लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, किसी में दम है तो बोलो ना, जिनके 7-7 लाख सब्सक्राइबर हैं, वीडियो बना के बता भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। शाम को सब बता सकते हैं, 700 के ऊपर निफ्टी चला गया सब आपको बता सकते हैं, 150 पॉइंट का रीज़न ये है। 9 बजे बताता कि 16,700 ये 17,700 के ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। तो लॉजिकली थोड़ा सोचिए समझिए, लेवल्स ही फॉलो कर सकते हैं, आपको लेवल्स ही बचा सकते हैं। तो लेवल निकल के आ रहा है हाल फिलहाल नज़दीक का 17,000
800 17,050 750 780 के बीच में सेल करिए, 800 का एसएल लगाइए। दोबारा से टारगेट 450 की तरफ ही है। बीच के स्पीड ब्रेकर होंगे जो मैं अपडेट कर दूंगा, इन केस 800 को क्रॉस कर देता है तो 780 को एसएल लगाइए। 940 18,060 ये लेवल रहेंगे, 18,180 एक लास्ट का लेवल रहेगा, वहाँ तक फिर आना चाहिए अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग आती है, बट उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।